आखिर क्यों जापान में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सिग्नेचर का इस्तेमाल नहीं करता, और कैसे इस व्यक्ति ने अपने दोस्तों से जीतने के लिए दो बार पूरा का पूरा प्लेन ही चुरा लिया, और आखिर भारतीय सरकार ने पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 100 को बदलकर 112 क्यों कर दिया। इस वीडियो में आप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, इंडिया में आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि बहुत से होमलेस लोग सड़कों के किनारे सोए रहते हैं, जो कि घर न होने के कारण बारिश, सर्दी और उमड़ती हुई गर्मी जैसी दिक्कतों का सामना करते हैं। जर्मनी में गरीब लोगों की इन्हीं समस्या को देखते हुए कुछ ऐसे पोर्ट्स बनाए गए हैं। इन पोर्ट्स को अलस्टर नेस्ट कहा जाता है। इन पोर्ट्स में दो लोग आराम से रह सकते हैं, और इन पोर्ट्स को बनाने के लिए स्टील और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरी तरह से वाटर प्रूफ और विंड प्रूफ है। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी गरीब लोगों के लिए ऐसी पहल की जा रही है। क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि यह गिलहरी नामक जानवर एक साल में इंसानों से ज्यादा पेड़ लगा देती है? आपको बता दें कि गिलहरियां अपने खाने के रूप में पेड़ के बीजों का इस्तेमाल करती है, और कई बार ये गिलहरियां इन पेड़ के बीजों को बाद में खाने के लिए जमीन में दबा देती है, जिन्हें गिलहरियां जमीन में दबाकर भूल जाती है, और ये बीज बाद में पेड़ के रूप में उग जाते हैं। इसी तरह गिलहरियां हर साल मिलियन ऑफ ट्रीज उगाती है। फैक्ट नंबर 10, आज तक आपने इतिहास में हुए बहुत से युद्धों के बारे में सुना होगा, जिन्हें खत्म होने में कई कई सालों का समय लगा था, और आप करंट में चल रहे रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध को भी देख सकते हैं, जिसे होते हुए 14 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक इतिहास में लड़ा गया सबसे छोटा युद्ध कौन सा है? तो आपको बता दे कि द एंग्लो जंजी बोर वॉर इस दुनिया का लड़ा गया अब तक का सबसे छोटा युद्ध है, जो कि मात्र 35 से 45 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया था, और यह युद्ध 1896 में खालिद बिन बरगस की सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। फैक्ट नंबर 9, इस इमेज से आप समझ सकते हो कि कैसे प्रकृति इंसानों के सामने हारती हुई नजर आ रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि यह कभी एक पूरा जंगल था, जिसे इंसानों ने अपने मतलब के लिए काट काट कर आज सिर्फ इतना छोड़ा है। मतलब इंसान कैसे केवल अपने मतलब के लिए नेचर को खत्म करता जा रहा है। फैक्ट नंबर 8, ये है भारत में चलने वाली पहली सोलार बोट, जिसका नाम है आदित्य, जो कि केरल के वैकोम से थवन कद्दू के बीच चलती है, और इसका निर्माण नौघाटी के द्वारा कोची में किया गया है, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी 2017 को की गई थी। और आपको बता दे कि यह इंडिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है। फैक्ट नंबर 7, आपने अपनी पुस्तकों में यह तो पढ़ाई होगा कि धरती का 97% जल सागर और महासागरों के रूप में धरती पर मौजूद है, जिसका स्वाद नमकीन है और यह पीने योग्य नहीं है, और केवल धरती पर मौजूद 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% पानी ग्लेशियरों के रूप में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है, और केवल 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, ये है पोर्शे की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार, और यह है पोर्शे के द्वारा बनाई गई सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार। पोर्शे के द्वारा सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार 1898 में बनाई गई थी, और इस कार में उस समय 79.2 किलोवाट की बैटरी मिलती थी, जो कि 80 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती थी, और इस कार की टॉप स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर, और इस कार का नाम था एगर लोनर 2 पाइटोन। इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कारों में भी समय के साथ कितना बदलाव आया है। फैक्ट नंबर 5, धरती पर मौजूद हर व्यक्ति जीवित रहने के लिए सांस लेता और छोड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस एक दिन, एक महीना या एक साल में कितनी बार किया जाता है? तो आपको बता दे कि एक नॉर्मल व्यक्ति हर मिनट 15 बार सांस लेता और छोड़ता है, पूरे दिन में 21,600 बार, और पूरे साल में 84,09,600 बार एक नॉर्मल व्यक्ति सांस लेता और छोड़ता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि यूट्यूब पर कितना कॉन्टेंट मौजूद है? जानने के लिए आई बटन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो और जाओ देखो। फैक्ट नंबर 4, आज के समय में आप सभी लोग इंडियन करेंसी पर गांधी जी का फोटो देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी का फोटो पहली बार इंडियन करेंसी पर कब लगाया गया, या गांधी जी की फोटो से पहले इंडियन करेंसी पर किस फोटो का इस्तेमाल किया जाता था? आपको बता दे कि 1996 में पहली बार गांधी जी का फोटो इंडियन करेंसी पर छापा गया था। उससे पहले इंडियन करेंसी पर अशोक स्तंभ की फोटो छापी जाती थी, लेकिन बदलती हुई भारतीय मुद्रा के साथ 13 जुलाई 1995 को RBI ने केंद्र सरकार से फोटो बदलने की सिफारिश की, जिसके बाद 1996 में पहली बार गांधी जी की फोटो इंडियन करेंसी पर छापी गई। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के ज्यादातर सभी देशों में 8 से 10 घंटे की रात होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे कम समय
समय के लिए अंधेरा कहाँ पर होता है? आपको बता दें कि नॉर्दर्न नॉर्वे में एक हैमरफेस्ट नामक शहर है जहाँ पर 76 डेज के लिए यानी मई से लेकर जुलाई के महीने में यहाँ पर रात केवल 40 मिनट की ही होती है। इस शहर में सूरज रात को 12:43 पर डूबता है और 40 मिनट बाद यानी 1:30 पर फिर से उग जाता है। इस तरह नॉर्वे के शहर में कुछ समय के लिए ही सही लेकिन दुनिया की सबसे छोटी रात होती है। फैक्ट नंबर 2, आपको यह तो पता ही होगा कि इंडिया में हर तरह के छोटे मोटे काम के लिए या किसी तरह के कानूनी कार्रवाई के लिए भी सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह का अधिकारी या व्यक्ति अपना एक अलग सिग्नेचर करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी कानूनी कार्रवाई या किसी अन्य कार्य के लिए सिग्नेचर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जापान में मौजूद सभी लोग सिग्नेचर की जगह स्टैंप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज करवा सकते हैं और इन स्टैंप को इकन या हैको कहते हैं। जापान में किसी कानूनी कार्रवाई के लिए भी पुलिस, जज या अन्य अधिकारी भी स्टैंप का इस्तेमाल ही करते हैं और ये स्टैंप लकड़ी, हाथी के दांत और प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनी होती है। और आपको बता दे कि कोरिया और चीन के कुछ हिस्सों में भी लोग इसी तरह अपने सिग्नेचर की बजाय स्टैंप का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस ने एक बार ऐसी कार बनाई थी जिसमें बैठकर लोगों की तबीयत खराब हो गई थी? फुल वीडियो के लिए आई बटन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो और जाओ देखो। फैक्ट नंबर 1, आपको यह सुनकर हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। 30 सितंबर 1956 को थॉमस फिट्ज़पैट्रिक नामक एक शख्स न्यूयॉर्क के एक बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ बहस करता है और बहस के दौरान थॉमस के फ्रेंड उसे चैलेंज करते हैं कि वह 15 मिनट में न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क तक प्लेन उड़ाकर नहीं आ सकता। और आपको बता दे कि थॉमस फिट्ज़पैट्रिक एक पेशेवर पायलट था और थॉमस ने अपने दोस्तों के द्वारा दिए गए इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उसी रात 3 बजे न्यू जर्सी के एयरफील्ड से एक प्लेन चुराया और 15 मिनट के अंदर न्यूयॉर्क के उसी बार के सामने लैंड किया जहां वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर बहस कर रहा था। इस घटना के बाद उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन प्लेन के मालिक ने उससे इम्प्रेस होकर उसे माफ कर दिया और पुलिस ने केवल उस पर $500 का फाइन लगाकर छोड़ दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2 साल बाद उसने यह किस्सा अपने दोस्त को सुनाया तो उसके दोस्त को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। तो थॉमस ने अपने दोस्त को विश्वास दिलाने के लिए इस पूरी घटना को एक बार फिर से दोहराया, लेकिन इस बार उसे प्लेन के मालिक ने माफ नहीं किया और पुलिस ने उसे 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। वेलकम दीपू सिंह टू आवर चैनल।